हैकिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत ही ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट लोग दूसरों के डेटा को एक्सेस करते हैं इलीगली, या फिर सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देते हैं, या फिर इसको फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर पैसे कमाने के लिए। कुछ हैकिंग तो ऐसे होते हैं जिसमें हैकर्स खुफिया तकनीक किसी और देश को बेचते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैकर्स के बारे में बताऊंगा, सो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 5, एंड्रियो लामो, जिनको होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रियो लामो एक गरीब परिवार से थे, उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो कंप्यूटर सीख सके, इसलिए वो साइबर कैफे में जाके कंप्यूटर सीखा करते थे। उनका कंप्यूटर का ये शौक उनको दुनिया का सबसे बड़ा हैकर बना के छोड़ा। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज का सिक्योरिटी ब्रेक कर दिया था, और इन्होंने कई सारे बड़े कंपनीज के प्राइवेट डेटा बेस को भी पब्लिक के सामने अवेलेबल कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी कंपनीज का सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक करना कोई छोटी बात नहीं है। इसी की वजह से उनके पीछे FBI लग गई, और फिर पकड़े जाने के बाद उन्हें 6 महीने की सजा और $65,000 का जुर्माना भी लगा। इसके बाद एंड्रियो लामो ने कोई भी इलीगल हैकिंग नहीं की, और उन्हें अपने हैकिंग टैलेंट को अच्छी जगह यूज करना चालू कर दिया। नंबर 4, कमांडर एक्स। ये कमांडर एक्स USA का है, जिसका नाम क्रिस्टोफर डोयोन है, जो कनाडा में बैठकर US सरकार से 4 साल से भाग रहा है, और इसी वजह से ये काफी समय से एनोनिमस है। हालांकि हैकिंग की दुनिया में इनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये अपने फैंस के लिए कम्युनिकेट करते हैं और US अथॉरिटी से भी अपने आप को बचा कर रखते हैं। कमांडर एक्स ने अपने एक बुक के जरिए ये बताया कि कैसे वो दुनिया के सबसे बड़े हैकिंग ग्रुप से लिंक है, जिसका नाम एनोनिमस है, जहां पर इन्होंने ऑर्डिनरी हैकर से लीडर तक का फासला तय किया। दोस्तों दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैकर्स हैं, उनकी हैकिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन आखिर में वो पकड़े जाते हैं। लेकिन एनोनिमस इकलौता ऐसा संगठन है जिसको आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया है। इनका सबसे बड़ा हैक सेंटा क्रूज की गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करना था। ये सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए था, क्योंकि कभी कभार सरकार कुछ ऐसे फैसले ले लेती है जिससे आम जनता बिल्कुल खुश नहीं होती है। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत बड़ा हैक किया था, जहां पर इन्होंने इजिप्ट के सिटीजन्स का डेटा हैक कर लिया था, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है। नंबर 3, मार्कस हचिंस। ये एक ऐसा इंसान है जिसने इंटरनेट को बचाया है, जहां पर इन्हें लोग द मैन हु सेव्ड इंटरनेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें, मार्कस एक यंग और प्रॉमिसिंग हैकर है, जहां पर इन्होंने एक ऐसा वायरस डिटेक्ट किया जो कई सारे यूजर्स का डेटा डिलीट करने वाला था। सिस्टम में वायरस या बग्स को डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, और नॉलेज मार्कस के पास बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि जब ये छोटे थे इनके पास बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज थी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, क्योंकि हमेशा ये टेक्निकल चीजों के पीछे पड़े रहते थे। और जब इनकी उम्र 13 साल की हुई, इनके पेरेंट्स ने इन्हें कंप्यूटर लाके दे दिया, जिसके बाद तो समझ लो किसी बच्चे को उसका खिलौना मिल गया हो। वो कंप्यूटर के साथ बहुत ही अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे, नई नई चीजें सीखते थे, और करीब सिर्फ 1 साल के अंदर इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के रख दिया जो यूजर्स के पासवर्ड को क्रैक कर देता था। और इसके 2 साल बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, और फिर करीब 3 साल बाद इन्होंने डार्क वेब में भी काम करना शुरू कर दिया। करीब समझ लो दोस्तों, ये 16-17 साल की उम्र में ये डार्क वेब में काम करना शुरू कर दिया था, और ये डार्क वेब में कई सारी हैकिंग भी करते थे। हैकर्स को पैसों की भी जरूरत होती है, उन्होंने अपने इस नीड को पूरा करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो बैंकिंग डेटा को चुराता था। हालांकि जब उन्होंने ये काम किया तब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। मार्कस ने जो काम किया था उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें अपनी आगे की पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी, लेकिन जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब बिल्कुल कहानी में अलग ही ट्विस्ट आया। कोर्ट ने बोला, जिस आदमी ने इतने सारे लोगों का डेटा एक वायरस से बचाया है, उसे इतनी लंबी सजा आखिर कैसे दी जा सकती है। नंबर 2, मैक्स बटलर। मैक्स बटलर पहले एक कंप्यूटर एडवाइजर थे, लेकिन अब वो दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स में से एक हैं। मैक्स बटलर ने डिजिटली 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड नंबर्स चुराए, और इसके बाद उन्होंने $86 मिलियन का फ्रॉड किया।
और उनपे ये भी आरोप लगा कि वो ऑनलाइन फॉर्म में फाइनेंशियल डेटा को बेचते थे। इसी इल्लीगल हैकिंग की वजह से उन्हें अमेरिका में 13 साल की सजा दी गई। मैक्स बटलर के हैकिंग कारनामे इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इनको 13 साल की जेल हुई, जो यूएसए में सबसे बड़ी हैकिंग सजाओं में से भी एक है। नंबर एक, जोनाथन जेम्स। ये एक ऐसा हैकर था जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था। नासा को इस प्रकार से हैक किया कि उनको अपने 3 हफ्ते तक अपने सिस्टम को बंद करके रखना पड़ा, सिर्फ ये देखने के लिए कि सिस्टम में ब्रीच हुई कहाँ पे। जोनाथन जेम्स ने नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हैक कर लिया था और उससे वो कई सारे डेटा को पढ़ रहे थे। एक 15 साल का बच्चा नासा के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ऐसे पढ़े, ये बात बहुत मिस्ट्रियस लगती है। यही नहीं, उसने डिफेंस डिपार्टमेंट के डेटा को भी ब्रीच किया। जब जोनाथन जेम्स पकड़ा गया तब साइबर क्राइम ने उसे हाउस अरेस्ट में रहने का आदेश दिया और कंप्यूटर से बिल्कुल दूरी बनाकर रखने के लिए। जब जोनाथन जेम्स की ये सजा पूरी हुई तब कुछ सालों बाद फिर से उसका नाम साइबर क्राइम में आया। इस बार वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे लगा कि उसको अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। इस डर के मारे उसने 18 मई 2008 को सुसाइड कर लिया। दोस्तों, अगर मैंने कोई महान हैकर्स का जिक्र नहीं किया है या फिर मैंने उनको अपने वीडियो के लिस्ट में नहीं रखा है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा या फिर आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इन हैकर्स के ऊपर इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, सो उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।